जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वे साथियों, हजारों कर्मचारियों की सैलरी को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए यहाँ। बस 3 महीने का जो है इंतज़ार करते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो सैलरियाँ हैं वो उनके अकाउंट के अंदर नहीं पहुंचाई गई है। भाई इस प्रकार से जो है आदेश भी दिए गए हैं, भाई इनकी जो है सैलरियाँ कब तक इनके अकाउंट के अंदर पहुँचेगी। और इसी प्रकार से हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के तहत लगे कर्मचारी भी दुखी हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी जो है काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, सैलरियाँ जो भाई डिपार्टमेंटों के द्वारा रिलीज नहीं करवाई गई हैं। आप साथियों ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन, देख लीजिए साथियों। वे प्राथमिक शिक्षकों को जल्द दिया जाएगा 3 महीने से रुका हुआ वेतन, यानी कि वह जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनको 3 महीने से जो है अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जिसका वेतन रुका हुआ है। तो भाई इस प्रकार से हरियाणा में 2004, 8, 11 और 17 बैच के करीब 9000 जो है प्राथमिक टीचर लगाए गए हैं, जिसको 3 महीने से जो रुका हुआ वेतन है वो जल्द मिलने की जो है संभावना है। तो इन्होंने जो है जल्द गया है, क्योंकि मामला ये था कि लोकसभा चुनाव में 4 संहिता और BLO ड्यूटी के चलते इन प्राथमिक शिक्षकों का जो है अंतर जिला संधारण नहीं हो पाया था, और अभी से भी शिक्षकों को जो है न केवल नए स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलेगी, बल्कि HRMS पोर्टल पर डाटा अपलोड भी हो गया है। जून के पहले सप्ताह में वेतन बैंक खातों में आ जाओगा, यानी कि वह जितने भी कर्मचारी जो वेट कर रहे हैं कि इनका वेतन कब तक आओगा, तो वह जून का जो पहला सप्ताह है इसके अंदर इनका जो है 3 महीने का जो वेतन रुका हुआ है वो इनके अकाउंटों के अंदर जो है पहुँचाने का काम कर दिया जाओगा विभाग के द्वारा। वह लोकसभा चुनाव के लिए जो है मतदान ख़त्म होते ही चुनाव आयोग ने जो है शिक्षकों को नए स्कूलों में ज्वाइनिंग कराने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। वह इनकी जो है जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग करवाई जाओगी, और इनका जो बचा हुआ जो वेतन है वो भी जो है जल्द से जल्द जो है रिलीज कराया जाओगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि 1 जून को शनिवार व 2 जून को रविवार छुट्टी होने के चलते ट्रेजरी भी बंद है। भाई इसके बाद में जो है शिक्षकों का जो वेतन अटका हुआ है उसको रिलीज करने का काम कर दिया जाओगा। तो इसी प्रकार से बात करा हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के कर्मचारी जो काफ़ी लंबे जो है समय से वेट कर रहे हैं, तो इन साथियों को भी जो है जून का जो पहला वीक आओगा इसके अंदर जो है आपकी सैलरियाँ भी रिलीज करने का जो है काम कर दिया जाओगा, क्योंकि ये जो साथी है भाई ये भी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी सैलरियाँ भी नहीं आए। कुछ कैंडिडेट जो है जो TGT के लगे हुए थे इनकी सैलरियाँ पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें और भी जो है काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके हमने मैसेज देखने भी मिले हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमारी भी सैलरियाँ नहीं आई हैं। तो वह कुछ महीने की इनकी सैलरी कुछों की डाल दी है, कुछों की पेंडिंग रह रही है। तो वह बीच में जो है भाई जिसका काम जो है चुनाव आचार संहिता के कारण जो इनकी ड्यूटी वगैरह लगी थी जिसके कारण डिले होया है। तो अभी आप साथियों की जो सैलरियाँ हमें जून का जो फर्स्ट वीक है इस तक जो है लगभग रिलीज कर दी जाऊंगी, और जितने PGT के साथी हैं भाई ये भी कह रहे कि हमारा जो है बजट नहीं आया है, तो जल्द से जल्द जो है सभी की सैलरियाँ जो है फर्स्ट वीक बताया गया है जो जून का है इनकी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं विभाग के द्वारा। और आप साथी भी जो है कमेंट करके ज़रूर शेयर करना, ताकि आप साथियों का जो है डिपार्टमेंट से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी कराया जाए इसका, वह कौन से डिपार्टमेंट की जो है अभी तक सैलरियाँ नहीं आई हैं, और जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप साथियों को अपने चैनल के माध्यम से जो है जानकारी दे दी जाओगी। तो आप साथी जितने भी बताओ अपने अपने जो है कमेंट शेयर कर देना कि कौन से डिपार्टमेंट की जो है अभी तक सैलरियाँ नहीं आई हैं। और तो इस प्रकार से जो है आप साथ लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे, पर जो 9000 कर्मचारी हैं इनकी जो सैलरियाँ हैं वो फर्स्ट वीक को जो है जून में बैंक खातों में आने का काम हो जाएगा। आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।